जब 1971 की लड़ाई चालू हुई थी तो अखबारों में पढ़ा था, और वो रेडियो ऐसे ट्यून ट्यून करके सुननी पड़ती थी न्यूज़, इतना बड़ा रेडियो था कि क्या हो रहा है। तो तब फादर को बोला था मैंने कि ये क्या चीज़ होती है, मुझे इसमें जाना है। और एक सोच जो थी अंकुरित तो उस समय हुई और प्रस्फुटित जो हुई वो 1984 में हुई। फिर जब मैंने 1983 में यूपीएससी द्वारा कंडक्ट की गई सीडीएस की एग्ज़ाम का अपियर हुआ था, और 84 में फिर टॉप करके जब मैंने इंडियन मिलिट्री एकेडमी को ज्वाइन की थी, तो वो एक छोटा सा पौधा उस टाइम एक बड़ा वृक्ष बन के सामने आया था। आपके पूरे करियर में ऐसा कोई पॉइंट जहां आपको लगा हो कि ये मेरी लाइफ का सबसे ज्यादा मैसेज गिविंग पॉइंट है, कि यहां पर मुझे संदेश जो मिला है वो मैं जीवन भर याद रखूंगा और यही संदेश मैं आने वाली पीढ़ियों को भी दूंगा? एज अ सीनियर कैप्टन या मेजर, आपको इंडियन आर्मी और एयरफोर्स या नेवी में एक बड़ी टफ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होती है जिसको डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज एग्ज़ाम कहते हैं। तो उस एग्ज़ाम के लिए आपको प्रिपेयर करना रहता है, और वो उस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन मैंने जम्मू कश्मीर में डिप्लॉयड रहते हुए पढ़ाई की थी, जहाँ पर कि 21वीं सदी में लालटेन की रोशनी में मुझे पढ़ना पड़ता था। रोज ऑपरेशन चलते थे, गोलियां चलती थी। उसके बावजूद मैंने अपना एक समय निर्धारित करके रखा था कि रोज इतने घंटे की मेरी पढ़ाई होना ही चाहिए। भले रात को अगर 2 बजे ऑपरेशन से अगर मैं आता था तो ये नियम था कि 2 घंटे 3 घंटे जितना भी है अपने नोट्स ज़रूर बनाना है और उसकी पढ़ाई करना है। तो उन 2 साल जब मैं जम्मू कश्मीर में वहाँ पोस्टेड था, उस लड़ाई के दौरान भी मैंने इस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए पढ़ा है डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज की, और उसे अच्छे नंबरों से पास भी किया है। तो ये एक मैसेज मेरे ख्याल से यूथ को अच्छा जाना चाहिए कि कठिन परिस्थितियों में भी आप पढ़ सकते हैं अगर आपके दिल में वो लगन है, चाहत है कुछ कर गुजरने की।